Please, obviously. Thank you. <laughs> कितने पहले आपने शुरू किया किया था? 2015 में मैंने मैंने तक के फिर का वीडियो देखा कि लर्निंग पे फोकस करो अर्निंग पे बिल्कुल नहीं पेशेंस oh. रखो परसिस्टेंस रखो बस ये जो है ना मेरी दिमाग में चीज से घुस गई

सर मैं सब कुछ खाती हूँ एंड आपसे मिलने के लिए कल से मैं सिर्फ बकलावा ही खा रही हूँ मुझे टर्किश हो से कम से कम खा <laughs> होता है एंड आपके इधर ही मिलता मिठाई है, होती है।, है? है मिठाई होती है बहुत अच्छा। जूसी सी अरेबिक मिठाई बहुत ज्यादा जूसी मतलब मैं रात को 12 बजे मैंने सो गई थी साढ़े नौ बजे 12 बजे उठ के फिर से दो तीन पीस बकलावा खाए फिर सोई स्ट्रेस

उसमें आपके जो वीडियोज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कुछ साल पहले मैंने ना एक क्यू एन ए सेशन रखा था मेरी ऑडियंस के साथ उन्होंने ऐसे ही जनरली पूछा कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन तो मैंने कहा संदीप सर तो जब मैं आंसर कर रही थी ना तो मैं सोच रही थी सर uh, थोड़ी मेरे को जानते होंगे पर्सनली बहुत लोग रेफरेंस देते हैं सर का मैं थोड़ी कभी मिल पाऊँगी मैं थोड़ी कभी ऑडियंस में बैठ पाऊँगी मैं कभी थोड़ी उनसे बात कर पाऊँगी एंड सर टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू इट्स एन इनक्रेडिबल मोमेंट फॉर मी तो अब अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं जो भी ये कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं सर मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ अभी मैं इंटर्नशिप की तैयारी कर रहा हूँ और साइड बाय साइड मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे मैं पॉडकास्ट और कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ तो सर अभी मैंने सोचा है कि दो तीन महीने पहले इंटर्नशिप की तैयारी करनी है और साथ साथ दो तीन घंटे दिन के YouTube को देने हैं कंटेंट बनाने के लिए तो सर लेकिन मान लो मैंने ऐसा सोचा कि मैं दिन से पाँच से छः घंटे प्रोग्रामिंग करूँगा और बाकी का जो टाइम है वो यूट्यूब पर कॉन्टेंट पे, पे दूँगा लेकिन सर जो वो वाला टाइम होता है ना पाँच घंटे के बाद वाला उसमें सर कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आती और बार बार मन ऐसा होता रहता है कि कभी करो या ना करो तो सर उस टाइम माइंड थोड़ा डिलेमा में रहता है तो सर इसमें क्या करना चाहिए और मैम आप भी बताइए क्योंकि आपसे काफ़ी रिलेटेबल हो गए अगर आप कंटेंट नहीं बना पा रहे हो ना मतलब कि वो आपका पैशन नहीं है यू नो you know क्योंकि अगर आपके अंदर कोई चीज है पैशन है किसी चीज में आपको सुख मिल रहा है yes, सुख yes. क्या होता है जो मेडिटेशन फाइनल स्टेज अच्छा मैं कुकिंग कर रही हूँ मैं इतनी कभी मग्न हो जाती हूँ कि समय का पता नहीं चल रहा है बस हम खाना ही खाना दिख रहा है इट्स नॉट अबाउट फूड इट कैन बी ड्राइंग इट कैन बी पेंटिंग इट कैन बी गिटार इट कैन बी मेकअप फॉर गर्ल्स तो अगर आपको उस चीज को करने में स्ट्रेस आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है आपको इनफ टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए दैट मीन्स यू हैव नॉट चूज इन द राइट थिंग फॉर यू क्योंकि अगर आप पूरा दिन भी काम करें ना और मैं रात को आपको दो से पांच का टाइम दो ना कि चलो इसलिए आपको मैंने टाइम दिया है आप अपने पैशन के लिए वीडियोस बनाइए और उसमें भी अगर आप नहीं थकते हैं तो दैट तो इज द राइट कैटेगरी ठीक है अगर आपका पूरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें अगर आपको लग रहा है कि अरे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं करता पैशन ऐसा नहीं होता है सब चीजों से टाइम निकाल के अगर आप उसमें घुस रहे हो दैट इज कॉल्ड पैशन राइट एक्टली एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक को भी फूड का काफी ज्यादा फूड ब्लॉगिंग करती हूँ मेरा भी यूट्यूब चैनल दिपांशीज फूड के नाम से तो उस उसपे लाइक मैंने अभी जस्ट अराउंड लाइक मेरे थ्री फोर्टी सब्सक्राइबर है जस्ट एंड मैंने सिक्स मंथ्स बैक स्टार्ट किया था इन फेब्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो मेको बस ये होता है लाइक आई एम वर्किंग राइट आई डूइंग सो सो इज लाइक टाइम नहीं हो पाती बिकॉज okay. लाइक uh, like, पहले मैं काफी रेगुलर डाल रही थी तो व्यूज आने लग गए थे लाइक वन पॉइंट वन केस से हर एक वीडियो ऊपर जाती थी अन शॉर्ट्स बट आफ्टर दैट लाइक जॉब में फिर जब लाइक uh, like, वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं तो थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो जाता है यार कि छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे तो उस टाइम क्या करें तो so, ये चीज होने ही वाली है दैट्स आई सेड अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज के बारे में तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको सोचना है कि तो मैं पैशनेट तो हो गया ये डिसाइड हो गया कि अब मेरे में क्या टैलेंट है उसको आप कंसिस्टेंसी रख पाएंगे क्या आप डेली सोप देखते हैं आप संदीप सर को देखते हैं डेली आते हैं सर आपके सामने इफ यू मिस आउट ऑन समथिंग अरे दो दिन से ये वीडियो नहीं आया यू 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 सो यूज टू वाचिंग दैट पर्सन तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी मतलब वेरी अगर आप सोचो ट्वाइस अ वीक तो जस्ट कीप इट ट्वाइस अ वीक मत करो रोज इफ़ यू वॉन्ट टू कीप वंस इन अ वीक या थ्राइज अ वीक जैसे भी आपको उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैंने बहुत सारा डाल दिया मेरे पास टाइम नहीं एडिटिंग का तो मैं नहीं डालूंगी ऐसा नहीं होगा मतलब यू डिसाइड कि आपके पास कितना टाइम है मैंने स्टार्ट किया था वन सन अ वीक से फिर मैंने किया ट्वाइस अ वीक फिर मैंने किया थ्राइस अ वीक अभी मेरे रोज़ वीडियोज़ ज़्यादा बिकॉज नाउ आई एम एबल टू तो कोप अप उतना कुकिंग मैं कर पाती हूँ सो so, पहले से ऑडियंस को आप उतना नहीं दे दो जो आप हमेशा नहीं दे सकोगे तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट

आई ड्रेड परसेंट श्योर अगर अभी आप मेरे को अपना मोबाइल दिखाओगे ना तो मैं देख करके बता दूंगा कि आप कितना घंटा कहां कहां पे वेस्ट करते हो पर yeah. इससे ज्यादा टाइम तो आप इंस्टाग्राम पे वेस्ट करते हो तो अगर तीन घंटे आप ये सोचो कि मैं सिर्फ एक वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूं मैं ये भी सीख रही हूं कि सीखते कैसे है इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स क्या आप वीडियो डालते जाओगे डालते जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं होता है इसके पीछे पूरी की पूरी एक साइंस है जिसको समझना होता है जो ये बड़े अच्छे से समझती है या जो भी जो यूट्यूबर्स है वो बड़े अच्छे से समझते हैं कि किस टाइम पे किस तरह की वीडियो पे व्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते yes. हैं वो एक यूट्यूबर को पहले से पता होता है yes. आज आई एम श्योर आपको पता होगा कि yes. दिवाली आ रही है आ तो रही अगर है। इस टाइम पे मैंने इस तरह की वीडियो डाली तो इस तरह की वीडियो पे यूट्यूब पे और जितनी भी वीडियोस हैं उसके ऊपर ऑन एन एवरेज इतने व्यूज हैं तो बुरे से बुरा इतने तो आ ही जाएंगे बट ये सब चीज हमें नहीं पता हम इस तरह से सोचते ही नहीं है तो एटलीस्ट आप ये सीखोगे कि किस तरीके से काम किया जाता है और अगर आप एक काम को करना सीख जाते हो तो लाइफ में कोई और काम भी कर सकते हो वो जो लर्निंग है उसको कहीं और भी तो अप्लाई कर सकते हो जरूरी थोड़ी है वो वहीं पर अप्लाई होगी तो इसको इस तरीके से देखो कि मैं कुछ सीख रही हूं कुछ अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रही हूं कुछ नया सीख रही हूं कुछ नया कर रही हूं वहां से मेरे को रोज कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं प्लस मैं उसमें सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने कमिट कर दिया है कि मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूंगी ज्यादा नहीं क्योंकि मेरी जॉब भी है मेरे और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं तो मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूंगी बस लेकिन अगले तीन साल तक इस तरह से अपने हमेशा लंबा सोचो दूर का सोचो हम लोग बहुत पास के बारे में सोचते हैं और बड़ी जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं ये गड़बड़ है लाइफ में बहुत बड़ी इस बात से रिलेट कर पा रहे जैसे जिम में भी तो ही होता है हाँ, गए तो और दस पंद्रह दिन तक तो पागलों की तरह एक्सरसाइज करी जैसे कोई पागल वहां पे आ गया है। कुछ भी उठा रहे हैं कुछ भी Seriously? कर रहे हैं और फिर पंद्रह दिन बाद बिस्तर पे पड़े हुए हैं अरे हो गया बस yeah. ये कोई तरीका ठीक थोड़ी ना है मैं कहता हूँ आप चाहे बीस मिनट करो जिम हफ्ते में चाहे सिर्फ तीन दिन करो लेकिन हमेशा के लिए करो हमेशा ये सोचो कि क्या ऐसा है जिसको मैं हमेशा के लिए सस्टेन कर सकता हूं या कर सकती हूं थैंक्स संदीप सर मैं आप आया मतलब मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू होता है ना सो दैट इट इज एंड मैम जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है आपने अपना पैशन फॉलो किया राइट सो पैशन जब पर्सन पैशनेट तो हो जाता है कि आई एम पैशनेट अबाउट कुकिंग बट कुकिंग तो हर कोई कर रहा है hmm. हर घर में खाना बनता yes. है हाउ यू थिंक कि आई कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन कि मैं इससे अर्न भी कर पाऊंगी और hmm. इतना कर पाऊंगी कि मतलब लाइक यू आर अर्निंग राइट नाउट Like calculation तो मैंने मैंने हाँ, लाइक जो भी हाँ, हाँ. But आप कर रहे हो <laughs> right. so, हाँ, हाँ, है, है, अगर हाँ. सिर्फ से से सही है काफी आसपास हाँ. <laughs> हाँ, तो हाँ, तो हाँ. किया या फिर मैं डांस करता हूँ तो डांसिंग से इतना अर्न हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो हम तो उसी में रह जाते हैं कि यार पढ़ाई कर लो नहीं तो डांस वांस में कहाँ जाओगे सिंगिंग कहाँ करोगे बट आपने वो मतलब फेस कैसे किया वो कैसे आपने सोचा कि हाँ भाई कुकिंग के बाद भी करिए मैं उसमें बना सकती हूँ और आपने बनाया yeah. सबसे पहले कुकिंग तो मैंने कैसे स्टार्ट की जैसे मैंने बताया मैं कुछ नहीं कर रही थी इसलिए मैंने स्टार्ट किया तो मैं पहले डेडिकेटेड थी कि मुझे इसमें ही कुछ करना है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था ज़्यादा बाहर जाने का आई एम नॉट आएम अ होम सिक पर्सन मेरे को ना किचन में बहुत मज़ा आता जितनी देर आपको चाहिए मैं किचन में बिता लूँ मैं तो चाहें तो किचन में बिस्तर भी लगा के सो सकती हूँ ठीक है तो मतलब एक तो पैशन हो गया तो पहली चीज़ तो पता चल गई कि आप इस काम में थकने वाले नहीं आप बोल रहे हैं बहुत सारे लोग होते हैं सी ऐसे दुनिया में बहुत सारे ज्वेलर्स होते हैं दुनिया में बहुत सारे होटेलियर्स होते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट लेकिन तो भी न्यू और रेस्टोरेंट या कुछ भी नया खुलते हैं आप ट्राई करने जाते हैं ठीक है और अगर आपको पसंद आता है तो आप फिर से जाते हैं तो डैट आई न्यू कि मैं कुछ तो कर सकूँगी इसमें एक अंदर की एक बोलते हैं ना वो बत्ती थोड़ी तो जलती है कि अब भगवान ने मुझे इस लाइन में भेजा तो आई विल डू समथिंग अबाउट इट तो वो खुद से पता चलता है कि आपको कैसा कंटेंट क्रिएट करना है ऑब्वियसली आप फॉलो यूट्यूबर्स से आप देख सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट चल रहा है आप क्या अलग दे सकते हो मेरे चैनल में आई ट्राई टू तो डू फ्यूजन रेसिपीज मतलब मिठाई को अलग से दे दिया पाना बना दिया बासुंदी का पाना बना दिया मोतीचूर लड्डू का डेजर्ट बना दिया ग्लासेस में Uh, मूस बना दिया आपने तो वो सब चीज़ें मुझे करना बहुत पसंद है ना मुझे समझ में आने लगा कि लोगों को फ्यूजन रेसिपीज़ अच्छी लगती है एंड छोटे छोटे पोर्शन में जैसे बैंकुट हॉल में मिलते हैं ना छोटे छोटे डेजर्ट्स कि खाया भी और बुरा भी नहीं लगता है कि बहुत कुछ खा लिया तो वो अंडरस्टैंड हो जाता है कि आप करते रहोगे ना करते रहोगे तब आपको पता चलेगा हाउ विल यू स्टैंड आउट फ्रॉम द ऑडियंस तो वो आपको आई थिंक करने से पता चलेगा ऐसे सिर्फ बोलने से कि मैं तो नहीं पहुँच सकता चलो छोड़ो शुरुआत ही नहीं करते दैट इज़ नॉट डन इट्स यू स्टार्ट वेल इज हाफ डन मतलब ये बात आपको समझ आई देखो यहां पे ना सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर आप लोगों का सबका दिमाग खुला हुआ है अगर दिमाग बंद है तो आप क्या कहोगे कि इनका तो कुकिंग चैनल है मेरी लाइन कुछ और है तो मेरे से क्या रिलेटेड है लेकिन अगर दिमाग खुला हुआ है तो आप इनकी एक एक बात से सीखोगे देखो अभी इन्होंने क्या बात बोली कि जब हम प्रैक्टिकली किसी काम को करते हैं उसके बाद ही समझ आता है कि हम कंपटीशन से अलग क्या कर सकते हैं पहले से बैठ करके समझ नहीं आता है मतलब हमारे साथ में प्रॉब्लम पता है क्या है? हमको सारे जवाब पहले से चाहिए हमको सारे आंसर्स पहले से चाहिए अरे किसी के पास में आंसर्स नहीं होते हैं नहीं। मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था मेरे पास भी सारे आंसर्स नहीं थे धीरे-धीरे करते 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 और आते चले गए तो आपने पूछा से अलग क्या किया कि तो like, जरूरत है कुकिंग करने के लिए मतलब उनको तो सिर्फ फिगर ऐसा देख के एंड फेस ऑफ दब्सक्राइब करते

आप पढ़ करके नहीं सीख सकते किसी और के एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं सीख सकते जैसे स्विमिंग नहीं सीख सकते hmm. कितने हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है नहीं आती है अब मैं आपको कितना भी समझाता रहूं स्विमिंग के बारे yes. में आप सीख जाओगे यहीं बैठे बैठे अरे जब पानी में उतरोगे तभी तो समझ आएगा तब भी पूरी तरह से समझ नहीं आएगा करते रहोगे ट्राई करते रहोगे कुछ दिन बाद एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब आप हाथ पैर मारोगे और आप नीचे नहीं जाओगे तब तक आप नीचे जाओगे बार बार हाथ पैर मारोगे तो फिर एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब आप कहोगे अरे मैं यहां तक पहुंच गई मैं यहाँ तक पहुंच गया फिर थोड़ा और आगे जाओगे फिर थोड़ा और आगे फिर थोड़ा और आगे फिर कुछ और ट्राई करोगे फिर कुछ और जो पहले सोचा भी नहीं था वो सब कुछ कर पाओगे अगर करते रहे तो, रहे तो। जैसे सब बोलते हैं ना एक्सपीरियंस फेलियर से मिलते हैं ये फेलियर से हुआ मेरा फ्यूजन मेरे मोदी झूठ लड्डू सब टूट गए बन रहे नहीं थे तो मैंने चलो ग्लास में डाल देती हूँ ऊपर से विप क्रीम डाल के चेरी लगा दूंगी हिट हो गया सो वो अगर मेरा फेलियर नहीं होता था लड्डू का तो मेरा ये डेजर्ट का डिस्कवरी मुझे मिलती नहीं थी सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है बिकॉज यू ऑलसो आर यूट्यूबर सर जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो डाली थी आपने तो हम फर्स्ट वीडियो जब डालते हैं तो अपने रिलेटिव्स को अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं उनमें से दस को देते हैं तो चार का ये जवाब आता है क्या तू तो सेलिब्रिटी बनेगा ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं तो आपको वो मतलब कि डिमोटिवेटेड हुए थे तो उस टाइम आप मैंने किसी को दिखाई ही नहीं वो वीडियो <laughs> <laughs> ये गलतियां मैं बहुत पहले ही करके सीख चुका था अपने मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी वहाँ पे अपने एक रिलेटिव को ले गया था उन्होंने जो मेरे घर पे आकर के मेरी धज्जियाँ उड़ाई थी मेरे पेरेंट्स के सामने मतलब पहली बार मैंने लाइफ में देखा था मेरे पेरेंट्स भी मेरे अगेंस्ट हो गए थे मतलब इतना भर दिया था उनको कि क्या है क्या बकवास है, है ये है वो है तो मैंने किसी को दिखाया नहीं आज भी नहीं दिखाता किसी को मतलब कोई भी वीडियो हो ये हो वो हो वटेवर वही कोई देख लेता है तो आ करके बोल देता है अब वो क्या बोलेगा खराब है मैं कहूँगा तेरे को बोला किसने देखने के लिए वो यही बोलेगा ना अच्छी है अच्छी है हाँ, है, है आप टिक, 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 वा, तो बड़े अच्छे रिलेटिव है हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे सो so, जैसे बोले सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी पहले आप सोच के अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे तो सेलिब्रिटी आप कभी नहीं बन सकते क्योंकि वो ये दूसरों के लिए लर्निंग के लिए राइट कुकिंग के लिए वीडियोस बना रहे हो तो उसमें तो आपकी लर्निंग होगी अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा वो काफी टाइम तक है मैं जब होगा सबको पसंद आएगा तभी मैं पॉपुलर होंगी तभी मैं सेलिब्रिटी बनती वो थोड़ा आगे का फेस है ये थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इट मीन टू मी एंड